ठीक है, यीशु
बच्चे के लिए डांटा कि बच्चों को मेरे पास में आने दो, उन्हें मत रोको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके चेले भी डर गए, क्योंकि अब यीशु ने ही कहा है कि बच्चों को मेरे पास में आने दो। तो जब यीशु के सामने बच्चे आए, उन्होंने क्या किया, उसके सर पर, बच्चों के सर पर हाथ रखा और उसे आशीष दिया। क्या दिया? आशीष दिया। जब सोचो तुम आज यहाँ पर हो और यीशु तुम्हारे पास में है और यीशु तुम्हें ऐसे पकड़ कर तुम्हारे हाथ पे हाथ, ऐसे सर पर हाथ रख के तुम्हें आशीष दे, क्या अच्छा लगेगा? लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। आज तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको जब गोदी में लेते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत। और जोर से तुम लोग पकड़ते हो अपने पापा को, मम्मी को। तो यीशु जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस संसार में आया, वो आज हमसे भी ज्यादा, ठीक है, आपके मम्मी पापा से भी ज्यादा किसको प्यार करते हैं? किसको बोलो? चाइल्ड को, किड्स को, चिल्ड्रन को, बच्चों को बहुत प्यार करता है। आप उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। आज से आप अपने आप को छोटा मत सोचना, कमजोर मत सोचना। चर्च में आके सब अंकल आंटी लोग ही ऊपर में उठते गए, हम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे मत सोचना। जब जीजस यहाँ पर आएंगे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? बच्चा, आप लोग है। खुशी लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना अंदर में? क्योंकि यीशु सच में आपको बहुत प्यार करता है। यीशु ने यहाँ पर बाइबल में जो भी लिखा है वो सच सच लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एक भी झूठ नहीं है। तो इसका मतलब वो बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। और आपके लिए यीशु के पास में समय है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो कि यीशु बहुत बिजी है, बड़े लोग के लिए प्रार्थना सुनते है, बड़े लोग के लिए वर्शिप में वो रहते हैं यीशु, पर जब हम प्रार्थना करता है यीशु नहीं सुनता। ऐसा मत सोचो। यीशु ने इन बच्चों को क्या किया, यहाँ पर जो भी बच्चे थे उसको गोद में उठाया। दैट मीन्स यीशु के पास आपके लिए क्या है, समय है, टाइम है, वो बिजी नहीं है बच्चों के लिए, पर बच्चों के साथ में वो रहना चाहते हैं। तो आप लोग कितना प्रार्थना करते हैं घर में, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाइए, जो जो बच्चा घर में प्रार्थना करते है, प्रार्थना करते हो ना आप लोग? सभी को प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे, आप बच्चों को प्रभु क्या करता है, प्यार करता है, और प्रभु के पास बच्चों के लिए समय है। प्रभु कभी भी बच्चों के लिए बिजी नहीं है, किसी के लिए भी बिजी नहीं है, और वो बच्चों, छोटे से छोटा बच्चा कभी प्रार्थना को सुनता है। अभी आपको क्या पता चला कि परमेश्वर प्रभु यीशु जीसस के लिए आप क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, ये बहुत बहुत आप लोग इम्पोर्टेंट हो। और जीसस के पास आपके लिए क्या है, टाइम है, आपके लिए टाइम है, आपका प्रार्थना को सुनने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए। आप जब बाइबल पढ़ते हो और जब आप संडे स्कूल में अच्छा बच्चा होकर चुपचाप बैठते हो, तब यीशु ऊपर से देखता है आपको और आपको प्यार करता है। वो आपके नामों को भी जानता है, पता है आपका जितना भी नाम है ना, वो सब उसको पता है। तो देखो आप इम्पोर्टेंट हो कि नहीं है, जीसस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो अब आपके लिए यीशु ने एक छोटा सा आज्ञा दिया है। आज्ञा पता है? नहीं पता है ना, मतलब आज टीचर क्या बोले आपको, होमवर्क करो। तो आप क्या करोगे, घर में आके होमवर्क करके नेक्स्ट डे जाके टीचर को दिखा दोगे, यस। तो इसी तरह जीसस ने भी आपको एक होमवर्क दिया है, ठीक है। आप जानना चाहते हो वो होमवर्क क्या है? आपने एफिशिएंस चैप्टर एफिशिएंस 6 का 1 को कभी पढ़ा है? मैं पढ़ूं, आप लोग सुनोगे? ओके, यहां पर लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स। देखो आपको पता है, ये है आपका होमवर्क। पता चला आपका होमवर्क क्या है? चिल्ड्रन क्या करना है? ओबे योर पेरेंट्स। तो आपको ओबे मतलब पता है क्या है? ओबे मतलब पापा मम्मी की बातों को
ना, सबको पता है यहाँ पर सब अच्छे बच्चे हैं। पापा मम्मी की बातों को मानना, आप लोग मानते हो पापा मम्मी की बातों को? हाँ। मानते हो? हाँ। होमवर्क करो बोलने से करते हो? हाँ। टीवी बंद करो बोलने से करते हो? हाँ। कार्टून बंद देखो बोलने से मानते हो? हाँ। नहीं मानते। देखो एक तो बहुत अच्छा बच्चा है ना, वहां पर झूठ नहीं बोल रहा है। टीवी देखने के लिए मन करता है ना, कार्टून भी। हाँ वो देखो वो हाँ बोल रहे, बंद करो बोलने से वो नहीं करता है। देखिए पता है प्रभु यीशु बोलते हैं ओबे योर, क्या बोलते हैं? ओबे योर पेरेंट्स। आप सोचते हाँ हम तो मानता हूँ, जब आइसक्रीम खाने बुलाता हो तो मैं दौड़ के जाता हूँ ना, जब मम्मी बोलते हैं कि थोड़ा देर के लिए कार्टून देख लो तो मैं तो बहुत ओबे करता हूँ, मम्मी बोलते हैं एक गेम खेल लो तो मैं मोबाइल निकाल के खेलता हूँ। पर जब मम्मी बोलते हैं कि दोस्त बाहर पे मत जाओ, तब आप लोग नहीं मानते हो। कभी बोलते हैं मम्मी कि अभी टीवी बंद करके पढ़ने बैठ लो, तब आप नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको और भी टीवी देखना होता है, आपको और भी खेलना होता है, और आपको और भी अपने जो दिल में आता है वो करना होता है। पर उस वक्त आपको क्या करना है? आपको याद करना है कि आपका एक क्या है? होमवर्क है। क्या है आपका? होमवर्क जो कि जीसस ने आपको दिया है वो है ओबे योर पेरेंट्स। सो आज से आप अपना होमवर्क करेंगे। हाँ कितने लोग करेंगे? जब मम्मी बोले कि टीवी बंद करो तो आपको बंद करना पड़ेगा, जब मम्मी बोले पढ़ने बैठ जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ने बैठ जाना पड़ेगा। जब मम्मी बोले कि आइसक्रीम नो आइसक्रीम, तब क्या बोलना पड़ेगा? तब क्या बोलना पड़ेगा? नो आइसक्रीम, आपको भी मानना पड़ेगा। जब आप मानोगे तब क्या होगा? जीसस आपसे बहुत खुश होगा। क्या होगा? जीसस आपसे बहुत खुश होगा। पर जब आप अपने मम्मी डैडी का बातों को नहीं मानोगे तब यीशु आपसे खुश नहीं होगा, जीसस आपसे खुश नहीं होगा। तो जैसे स्कूल में एक होमवर्क देने से आप लोग बहुत अच्छी तरह से होमवर्क करते हो, हैंडराइटिंग भी अच्छा बनाकर बिना गलती किए करते हो, वैसे ही ये होमवर्क जो जीसस ने आपको दिया है ओबे योर पेरेंट्स, ये आपको होमवर्क अच्छी तरह से करना है। आर यू रेडी? आप लोग कितने जो होमवर्क करने के लिए तैयार हो, पेरेंट्स की बात मानने के लिए तैयार हो? जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तब भी मानना है, ठीक है? तो आपको सैमुअल पता है? सैमुअल कौन था? सैमुअल का पता नहीं आता है आपको? नहीं। सैमुअल पता है? सैमुअल की मम्मी ने बहुत रो 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 कर प्रार्थना किया, ठीक है, और प्रभु यीशु ने उसके मम्मी को एक छोटा सा बच्चा दिया और उसका नाम क्या था? सैमुअल था। और जब सैमुअल छोटा था तब वो सैमुअल को क्या किया बताएं? उसके मम्मी ने जाके प्रभु यीशु के मंदिर में रख दिया। कहाँ पे रख दिया? प्रभु यीशु के मंदिर में। और सैमुअल क्या करने लगा? वहां पर बैठकर प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ बातचीत करने लगा। वो परमेश्वर के लिए हर कुछ काम करता था, जितने भी होमवर्क थे सैमुअल के वो सब होमवर्क सैमुअल अच्छी तरह से करने लगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जैसे सैमुअल बड़ा होते गया और क्या करने लगा, वो अच्छी तरह से अपना होमवर्क किया, उसने मम्मी की बात को माना,
obey your parents. तो जब आप अपना होमवर्क अच्छी तरह से करेंगे, परमेश्वर अपने मम्मी पापा का बातों को अच्छे से obey करेंगे, पालन करेंगे, मानने लगेंगे, तब क्या होगा? तब परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे बातचीत करेगा, आपसे बातें करेगा जैसे उसने सैमुअल से बात किया है। सैमुअल ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया, वो छोटे में जाकर प्रभु यीशु परमेश्वर का सेवा करने लगा, परमेश्वर के घर में रहने लग गया। तो उसने क्या किया, तो प्रॉपर प्रभु यीशु परमेश्वर भी उससे बातचीत करने लग गया। इसी तरह अगर आप बच्चे भी अपना होमवर्क और आपका होमवर्क है ओबे योर पेरेंट्स, जब अपनी मम्मी पापा का बातों को अच्छे से मानेंगे, तब आपसे परमेश्वर प्रभु यीशु बातचीत करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आप छोटे बच्चे हैं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ ऐसा कभी मत सोचिए। हम लोग ने पढ़ा था मरकुस 10:13 में यीशु ने क्या किया, अपने चेलों को डांटा और बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, और बच्चों पे हाथ में रखे क्या कि उसने ब्लेसिंग आशीष को दिया। ये दिखाता है कि प्रभु यीशु के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आपके मम्मी पापा जैसे आपको प्यार करते हैं, उससे भी ज्यादा प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। और जब आपको पता चल गया कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, तो अब आपको प्रभु यीशु जो आपसे बहुत प्यार करता है वो आपको एक होमवर्क दिया है। क्या है होमवर्क? ओबे योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की बातों को मानो। आज नहीं, कल नहीं, संडे नहीं, पर एवरी डे, हमेशा हर दिन आपको बच्चों का परमेश्वर मम्मी डैडी का बातों को मानना है। जब आप होमवर्क अच्छी तरह से करेंगे, जैसे सैमुअल ने किया अपने होमवर्क को अच्छी तरह, तब क्या होगा, आप किससे बात करने लगेंगे, किसकी आवाज को सुनने लगेंगे? परमेश्वर के आवाज को सुनने लगेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम सब आपको हमारे परिवार के तरफ से और एक बार आपको विश करते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाए, ईमानदार होइए, कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि प्रभु यीशु को झूठ पसंद नहीं है। आप ऐसे काम मत करें जो आपकी मम्मी पापा को खराब लगे। ठीक है, कभी भी जिद मत कीजिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा और प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप एवरीडे अपना होमवर्क अच्छी तरह से करिए जो जीसस ने आपको दिया है। अपने मम्मी पापा की बातों को मानना, अपने आपके मम्मी पापा बोलेंगे झूठ मत बोलो तो कभी झूठ मत बोलना, और मम्मी पापा बोलेंगे स्कूल में कभी चीटिंग मत करो, कभी चीटिंग मत करना, मम्मी पापा बोलेंगे वो गंदे बच्चों के साथ में मत खेलो, उनके वो अगर गाली देते हैं तो आप उसको गाली मत दो, पर उसको प्यार करो, उसके लिए अच्छा करो। तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके लिए जो भी अच्छा सिखा रहा है वो कौन सिखा रहा है? आपका मम्मी पापा और चर्च के अंकल आंटी और संडे स्कूल टीचर, उन सबको ओबे करना है, उनके बातों को आपको मानना है। और आप जैसे उनके बातों को मानते जाएंगे, तब क्या होगा, एक दिन आप भी परमेश्वर के आवाज को सुन पाएंगे। और जैसे आप अंकल आंटी वर्शिप करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वैसे ही आप भी एक दिन कर सकोगे। लेकिन सबसे पहले छोटे बच्चों को क्या करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। वो होमवर्क है अपने मम्मी पापा के बातों को मानना। आज वही याद करो कि